हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू यानी पम्पकिन की मीठी चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, साथ ही ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सामग्री ले रही हूँ: कद्दू, किशमिश, काजू और तेज पत्ता। इसे मैं कूट ले रही हूँ उखल में। अब मैं कढ़ाही ले रही हूँ, कढ़ाही में डाल रही हूँ घी, साथ ही इसमें मैं मिला ले रही हूँ 5 फोरन, साथ ही इसमें मैं डाल लूंगी तेज पत्ता और किशमिश। इसमें मैं डाल लूंगी कद्दू को। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम पकाएंगे। अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक यूज करना है। साथ ही अब डाल ले रही हूँ कूटे हुए काजू को, भी मिला ली हूँ। मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ चीनी। अच्छे तरीके से पक गया है। तो तैयार है कद्दू की चटनी। इसे मैं मक्के की रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। मक्के की रोटी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, साथ ही मैंने आई बटन पे भी दे दिया है, वहाँ से चेक कर लें। अगर आपको कद्दू की चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।